अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम शेयरिंग टू स्टिच ड्रेसेस और दोनों ही आसिम जोफा हैं। अलग अलग कलेक्शन हैं बट दोनों जो हैं वो आसिम जोफा हैं। और दोनों का अगेन रीज़न ये कि जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ उस वक्त मेरे पास एनली कार्ड होता है तो उसे लिखा होता है कौन सा साइज़ है। बट इन ड्रेसेस को स्टिच हुए इतना टाइम हो गया तो मैं बिल्कुल भूल गई हूँ। बट मीडियम टू लार्ज साइज़ के, लार्ज भी नहीं एक्चुअली, स्मॉल टू मीडियम साइज़ के ड्रेसेज हैं। लेट्स सी। अच्छा जी, लेंथ इसकी जो है 50 इंचेस, 50 कंफर्म है, 50 इंचेस है। एंड ये पेटल्स बने हुए थे फैब्रिक के पूरे स्लिट्स पर एंड फ्रंट बैक के दामन पर, ये ऐसे ही बनाए हैं क्योंकि लेंथ इसकी 50 इंचेस है। तो चाक जो है इसके 30 इंचेस के हैं और 30 इंचेस से थोड़े कम होने चाहिए थे बट हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि 30 इंचेस के चाक हों। और ये जो बॉर्डर है ये फ्रंट एंड बैक दोनों के स्लिट्स पर पूरा नहीं हो सकता था, इसलिए हमने जो है इसको सिर्फ फ्रंट के स्लिट्स पर यूज़ किया। अच्छा, गला इसका जो है काफ़ी बड़ा है तो ये गला पूरा एप्लिक हुआ है, इसका पूरा ये डबल लेयर एप्लिक हुआ, यानी ये पूरा आउटलाइन है, अंदर इसका पूरा ऑर्गेन्जा था वो सारा निकाला गया। देन इसके ऊपर जो है वो टू कलर के रेशम के टसल हैं विद गोल्ड बॉल। उसके बाद गले के ऊपर जो है वो तीन कलर के, जो तीन कलर की एम्बेलिशमेंट हुई है उसी तरीके से जो है ये इसके लूप बने हुए ऐसे ही पिक्चर में बने हुए थे। उसके बाद स्लीव, स्लीव्स का बॉर्डर और स्लीव्स के ऊपर बिल्कुल वैसे ही पेटल जो फैब्रिक के बने हुए हैं। तो ये हो गया इसका फ्रंट। बैक पे इसके जो है ये जस्ट ये बॉर्डर है बड़ा ही खूबसूरत सा एंड बैक पे पूरे वही जो पेटल्स हैं वो आ रहे हैं। लेंथ इसकी ज़बरदस्त लंबी हो गई, इसको हमने ऑलरेडी एक स्टिच किया था जिसकी हमने लेंथ 45 to 46 इंचेस रखी थी। और उसके बाद हमने इसको और क्या किया था, उसके पेटल वगैरह नहीं बनाए थे। अच्छा, दुपट्टा जो है इसका सिंपल रखना था, पिक्चर में कुछ पता नहीं क्या कुछ बना हुआ था ट्राइंगल्स वगैरह तो वो नहीं चाहिए था, तो इसलिए ये जो चट्टा पट्टी वाली ये लेस डोरी आती है, यानी कि ये बड़ी खूबसूरत होती है बट लकीली कुछ कलर्स मिल जाते हैं, मोस्टली डार्क कलर्स मिलते हैं। तो इसके अंदर जो ग्रीन शेड है वो वाला मिल गया मुझे, तो मैंने इसके ऊपर जो है वो लगा दी, अदरवाइज हमने कहा था जो ओरिजिनल बॉर्डर है वही रहने देना। तो ये जो है इस तरीके से हो गया, हालांकि पिंक शेड भी था लेकिन ग्रीन जरा ज़्यादा इन्हेंस हो रहा था तो मैंने जो है इसका सिर्फ ग्रीन लगा दिया। एंड उसके बाद इसका ट्राउज़र, ट्राउज़र के ऊपर जो है खाली पिंटेक्स कर दी हैं। ये सारे कपड़ों की आयरन, अगेन मैं हर वीडियो में यही कह रही हूँ कि क्योंकि ये बहुत वो है और हम लोग बहुत लेट नाइट वीडियो बना रहे होते हैं तो उस वक्त आयरन करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। लेट्स सी अदर वन। अच्छा, ये माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलर है इसका ड्रेस का, एक्चुअली तरबूजी कलर मुझे बड़ा बड़ा पसंद है। तो इसका जो है दामन के ऊपर चटापट्टी बनी है दो कलर की, देन उसके ऊपर एक सेम कलर की लेस है कुरेशा, फिर उसके ऊपर एक थिन कुरेशा लेस है मरून कलर की, उसके बाद फिर यहाँ पर मरून सेंटर लेस से इसको अटैच किया गया है। स्लिट्स पर इसके जो है सेम कलर की लेस लगाई है, चंदर हमने ग्रिप की लाइनिंग भी लगाई है सेम कलर का कॉटन सिल्क का फिनिशिंग के लिए फैब्रिक। ये सब कुछ हम डाई करवाते हैं तो हमारा जो है वो जितनी स्टिचिंग होती है उससे बहुत करीब करीब जो है ना वो डाइंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज एक एक चीज़ के लिए वो सेपरेट चार्ज करते हैं। तो इसको जो है हमने ग्रिप लाइनिंग लगाई, थोड़ा सा लाइट कलर था, आई डोंट नो, कभी एक्चुअली कन्फ्यूजन होती है, कभी क्लाइंट कहते हैं कि आप खुद देख लें, अब हमें लग रहा होता है कि सी थ्रू है हम लगा देते हैं, एंड मोस्टली हमारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो पसंद प्रेफर करते हैं कि लाइनिंग हो। अच्छा, साइज़ जो है ये बिल्कुल स्मॉल है एंड गले पर इसके जो है चटापट्टी ऐसी बनी हुई थी ना, उसके ऊपर पोटली बटन्स लगे हुए थे ऐसे ही डिस्टेंस के साथ। उसके बाद गले के अंदर इसके थिन लेस जो सेम कलर की डाई हुई हुई थी वो वाली लगाई है। स्लीव्स के ऊपर सेम वही दामन वाला चटापट्टी, देन उसके बाद सेम कलर की थोड़ी बड़ी लेस एंड उसके बाद क्रोशिया लेस हुई है। देखें, दो तरह की लेसेस डाई हुई एंड देन दो तरह का चटापट्टी का फैब्रिक। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इस तरह के जो फैब्रिक्स होते हैं इनको वॉश नहीं करना होता, सिर्फ ड्राई क्लीन करना होता है, बिकॉज चट्टापट्टी के लिए ये सारे फैब्रिक्स, ये जो कलर्स हैं स्पेशली जो लाइट कलर्स होते हैं मलाई क्रेप में नहीं आते और ना ही हम उसको यूज़ करते हैं, तो इसके लाजमी जो है वो कलर निकलता है। और ये डिज़ाइनर ने भी मेंशन किया होता है कि आप इसको वॉश नहीं कर सकते, सिर्फ ड्राई क्लीन कर सकते हैं। तो इसके शर्ट बैक इसका जो है वो बिल्कुल प्लेन है, धागों का मसला तो ये शिपमेंट के बाद भी जाता है, ये जो है इस तरीके से, हालांकि इसकी आयरन बड़ी ज़बरदस्त हुई थी, अभी भी फोल्ड हुआ है तो
वैसे ही क्रीज है, लेकिन ये के धागे लाजमी चिपक जाते हैं। अच्छा, उसके बाद है इसका दुपट्टा, काइंड ऑफ स्विस टाइप का इसका दुपट्टा है। दुपट्टे के ऊपर इसके सिर्फ कुरेशा लेस लगाई, वही जो बड़ी वाली लेस जो है दामन पर लगाई है वही वाली लेस है, लेकिन ये बड़ी खूबसूरत लग रही है, मुझे तो लग रही है क्योंकि मैंने खुद ही पसंद करके मैंने डाई करवाई है। ऑब्वियसली लेसेस वगैरह जो है वो सारी चीज़ें मैं खुद ही सिलेक्ट करती हूँ, उन सब डाई करवाती हूँ, तो कोई टेलर पे कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी होती। क्रोशिया लेस एंड देन अंदर की साइड जो है इसको सेम का पलटा है, और उसके बाद इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र पर हमने एज पे क्रोशिया लेस वही वाली लगा दी एंड इसके ऊपर प्लीट्स कर दी। मुझे दोनों वही अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। आप सबको कैसे लगे कमेंट से बताइएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।